हेलो हेलो हेलो, त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस एपिसोड में कुछ बढ़िया सा मीठा बनाया जाए। तो आज हम बना रहे हैं ट्रेसलेशस केक, यानी कि मिल्क केक, जो बहुत ही लाइट और बहुत ही स्वीट, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और जिसे बनाना आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक जार में मैंने दूध और कंडेंस मिल्क को डालकर मिक्स कर लिया है। अब एक पैन में डालकर लो फ्लेम पर इसे उबालेंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर भी डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कलर के लिए मैं यहाँ पे कच्ची हल्दी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रंग भी डाल सकते हैं। अब इन्हें स्टर करते हुए इसे पकाना है और लो फ्लेम पर पकाना है। इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बट हाँ थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बस अब फ्लेम ऑफ करके इसे उतार कर ठंडा होने रख देंगे। अब केक बनाने के लिए एक बोल में मैंने वही फ्लेवर्ड मिल्क, ऑयल, पाउडर शुगर और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मैदा, जिसमें साथ ही में डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर कितना स्मूथ और कितना टेस्टी लग रहा है दिखने से ही। अब इस बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे बेकिंग डिश में, इवनली स्मूथ करके इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए। मेरा केक 35 मिनट्स में बहुत ही अच्छा बेक हो गया। उसके बाद मैंने इसे पोक किया और नाइफ से कट देकर मैंने इसमें फ्लेवर्ड मिल्क डाल दिया और इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि केक इसे अच्छे से सोक कर ले। और इसके ऊपर मैंने अब व्हिप्ड क्रीम लगाई है और थोड़ा सा केसर और पिस्ताशियों से गार्निश किया है और फ्रिज में ओवरनाइट मैंने इसे ठंडा होने, सेट होने के लिए रख दिया। और ओवरनाइट सेट करने के बाद जो ये केक बना था ना, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। या